हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज जो 23 तारीख में यहाँ पर LIC ADO मेन एग्जामिनेशन यहाँ पर जो कंडक्ट हो रहा है, यहाँ पर दो फेजेस में आप लोग का यहाँ पर जो है LIC ADO मेन यहाँ पर हो रहा है शिफ्ट वन। सो शिफ्ट टू में जो कि यहाँ पर शिफ्ट वन का एग्ज़ाम जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, अभी तो यहाँ पर शिफ्ट टू का एग्ज़ाम चालू हुआ है। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि शिफ्ट वन में कितना कितना क्वेश्चन यहाँ पर आया है, कैसा क्वेश्चन आया है, कैसा अटेम्प्ट हुआ है, उसके साथ साथ कट ऑफ के बारे में भी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। जो कि फिलहाल अभी यहाँ पर कट ऑफ पूरा नहीं बताया जा सकता, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को थोड़ा बहुत बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, जो मेन एग्ज़ाम का यहाँ पर पैटर्न कितना था। यहाँ पर टोटल 160 मार्क का आप लोग का क्वेश्चन आने वाला है, जहाँ पर रीजनिंग में से 50, उसके साथ साथ यहाँ पर 6 GK और करंट अफेयर्स में से यहाँ पर 6 आप लोग का 50 आने वाला है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केटिंग अवेयरनेस से यहाँ पर जो आप लोग का 60 मार्क्स आने वाला है। सभी का यहाँ पर जो 1 मार्क करके दिया गया है। तो उसके बाद यहाँ पर बात करें ड्यूरेशन, तो यहाँ पर जो है 2 घंटा आप लोग का दिया जा रहा है। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो है मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट में से कैसा कैसा आप लोग का यहाँ पर क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर मुझको मिला है, तो वो यहाँ पर दिया गया है कि हाउ मेनी डेज विल टेक फॉर इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट, मतलब कितना दिन लगता है एक इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट होने पर। तो ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद यहाँ पर जो है यूलिप्स प्लान वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन व्हिच कंट्री, तो ये यहाँ पर आया है जो कि इंडिया होगा। उसके बाद दिया गया व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ TPA। नेक्स्ट यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड प्रीमियम, रिस्क एंड प्रीमियम में कैसा रिलेशन है, अगर आप लोग प्रीमियम ज़्यादा देना चाहते तो रिक्स आप लोग ज़्यादा कवर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर दिया गया व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FVR। उसके बाद यहाँ पर वन क्वेश्चन आया था जो कि हम यहाँ पर लिमिट ऑफ कॉम्पनसेशन के ऊपर आया है। उसके बाद और एक क्वेश्चन यहाँ पर आया है लिमिट ऑफ क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस बाय IRDAI, तो यहाँ पर क्लेम सेटलमेंट का लिमिट पूछा गया है। उसके बाद मनी बैक पॉलिसी का मीनिंग क्या है, तो क्या है मनी बैक पॉलिसी, उसके ऊपर आया क्वेश्चन। उसके बाद दिया गया है व्हिच इज़ नॉट ए जनरल इंश्योरेंस कंपनी, मतलब यहाँ पर तीन चार यहाँ पर ऑप्शन दिया गया था जहाँ पर इनसे पूछा गया है कि इनमें से कौन जनरल इंश्योरेंस कंपनी नहीं है। उसके बाद सेक्शन 39 के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन आया है। उसके बाद LIC एस्टैब्लिशमेंट हुई थी यार, मतलब LIC कब आप लोग का यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। उसके बाद इन्फ्लेशन के ऊपर यहाँ पर जो है क्वेश्चन आया है कि इन्फ्लेशन क्या है, उसका डेफिनेशन बताना होगा। उसके बाद व्हाट इज़ IC-38 इन इंश्योरेंस, ये भी एक क्वेश्चन यहाँ पर जो है आप लोग का आया है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो रीजनिंग की बात करती है, यहाँ पर आप लोग का सेटिंग अरेंजमेंट, उसके साथ साथ ब्लड डोनेशन से 4-5 क्वेश्चन यहाँ पर आया था। उसके बाद लाइनर सेटिंग अरेंजमेंट से एक दो क्वेश्चन आया। उसके बाद डाटा सफिशिएंसी से 3 क्वेश्चन, बॉक्स पजल यहाँ पर आया था आप लोग का 5 क्वेश्चन दिया गया है, और सिलोलिज्म से यहाँ पर जो 4 क्वेश्चन, और स्टेटमेंट एंड एजम्पशन से यहाँ पर 3 क्वेश्चन आप लोग का आया है। दोस्तों GK यहाँ पर मैं आप लोग को नहीं बता सकता क्योंकि GK का मेरे पास ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया है, इसलिए मैं आप लोग को यहाँ पर नहीं बता पाया। लेकिन यहाँ पर G20 से एक क्वेश्चन आया था, उसके साथ साथ और भी बहुत कुछ यहाँ पर जो है करंट स्टेटमेंट से आया है। नेक्स्ट यहाँ पर इंग्लिश की बात करें तो पैसेज एक दिया गया था जहाँ पर 10 क्वेश्चन दिया गया है। उसके बाद एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच एंड फॉलोइंग, ये सब कुछ यहाँ पर जो आया था आप लोग का। अगर मैं ओवरऑल यहाँ पर जो है क्वेश्चन लेवल की बात करूँ तो यहाँ पर सभी लोगों का कहना है कि ठीक ठाक ही है, यहाँ पर मॉडरेट क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पर आया था, तो यहाँ पर ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैथ में थोड़ा सा यहाँ पर जो है कैंडिडेट को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, यहाँ पर मैथ थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग को मैं बोल सकता हूँ कि हार्ड आया है। लेकिन ज़्यादातर कैंडिडेट यहाँ पर 120 से लेकर 130 मार्क्स के बीच में यहाँ पर 6 अटैम्प्ट करके आया है। तो अब देखते हैं यहाँ पर सेकेंड जो शिफ्ट यहाँ पर होता है, सेकेंड शिफ्ट के ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि कैसा आप लोग का कटअप जाने वाला है, और उसके साथ साथ यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग, और उसके बाद यहाँ पर जो आप लोग का नॉर्मलाइजेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कितना आप लोग का कटअप यहाँ पर रहने वाला है। तो फिलहाल यहाँ पर शिफ्ट टू का यहाँ पर जब तक यहाँ पर जो है आप लोग का एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होता उसका क्वेश्चन नहीं आ जाता है, तो यहाँ पर करेंट जो कट ऑफ यहाँ पर वो बताया नहीं जा सकता, वो मैं आप लोग को एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा कहाँ कितना आप लोग का कट ऑफ जाने वाला है। तो दोस्तों फिलहाल यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर करनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।